हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनलकी चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से एक सबसे बड़ी आम खबर आई है, जो है अवध विश्वविद्यालय में पूर्व की भांति सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। दोस्तों, इस खबर को पूरी जानने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि पास में बेल आइकन का घंटी है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी हम बताएंगे आपको सारा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। ऐसे तो मैं इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। और आप लोग के कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में करके पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अब इस खबर को पूरी डिटेल से जानते हैं क्या है। ये जो है जनाभास न्यूज़पेपर से लिया गया है। अवध विश्वविद्यालय में पूर्व की भांति सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। जनाभास अयोध्या अश्विनी पांडे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रशासनिक भवन में सोमवार को आवासीय परिसर एवं संबंध महाविद्यालयों में संचालित मिड एवं इंड सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने की। बैठक में कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं समन्वयक से परिसर एवं महाविद्यालयों में संचालित मिड एवं इंड सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कुलपति जी से सभी सदस्यों से आग्रह किया कि मिड एवं इंड सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा समाप्त कर पूर्व की भांति सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाए। कुलपति जी ने आगामी सत्र से पूर्व की सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने के लिए कुल सचिव उमानाथ को निर्देश प्रदान किया। बैठक में सदस्यों ने परिसर में संचालित समस्त सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के परीक्षा एवं प्रश्न पत्रों का निर्माण विभाग को दायित्व देने की सिफारिश कुलपति जी से की और बताया कि इससे समय से पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं कराई जा सके। इस पर कुलपति जी ने असहमति प्रदान की। महाविद्यालयों की सेमेस्टर प्रणाली परीक्षाओं के लिए कुलपति जी ने परीक्षा नियंत्रक उमानाथ को अधिकृत किया। बैठक में परिसर एवं महाविद्यालयों में संचालित इंड सेमेस्टर परीक्षा कराने पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में कुलपति जी ने 2 दिन का समय देते हुए सभी विभागों से शीघ्र प्रश्न पत्रों को तैयार कर परीक्षा विभाग को सूचित करने का आदेश प्रदान किया, जिससे समय से सेमेस्टर परीक्षा कराई जा सके। बैठक का संचालन कुल सचिव उमानाथ ने किया। इस अवसर मुख्य नियंता प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, उप कुल सचिव विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर अशोक शुक्ला, प्रोफेसर चयन कुमार मिश्रा, प्रोफेसर राजीव गौड़, प्रोफेसर के वर्मा, प्रोफेसर एनके तिवारी, प्रोफेसर जसवंत सिंह, प्रोफेसर एसएस मिश्र, प्रोफेसर फारूक जमाल, प्रोफेसर अनुपम श्रीवास्तव, प्रोफेसर आरके सिंह, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार, प्रोफेसर अनूप कुमार, प्रोफेसर रामापति मिश्र, डॉक्टर प्रिया कुमारी, डॉक्टर त्रिभुवन शुक्ल, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर डीएन वर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र, डॉक्टर प्रदीप खरे, डॉक्टर विजय इंदु चतुर्वेदी, डॉक्टर विनय कुमार मिश्र सहमति सहित कर्मचारियों में हरिशंकर तिवारी, विष्णु यादव, गिरीश चंद पंत उपस्थित रहे। तो दोस्तों, इस बैठक में कहा गया है कि कुलपति जी ने 2 दिन का समय दिए हैं और सभी विभागों से शीघ्र प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए कहा गया है और सेमेस्टर के एग्जाम समय के अनुसार हो सके। तो दोस्तों, और जितने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से खबर आएगा आपको पल पल हम देते रहेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, जितने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से नोटिस आएगा सबसे पहले मिलेगा। तो थैंक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।